guys, hope you all are doing good. So in today's video, we are going to talk about the topics you have to study for MNSCVT of English. I will be telling the topics you must study in English for your MNSCVT 2024. So aaj ki video mein hum dekhenge ki kaun kaun se topics aapko padhne chahiye MNSCVT 2024 ke liye jo English ke topics hain, kyunki GK wale maine already cover kar diye hain is wale video mein jo main aapko upar dikha dungi. To chalo shuru karte hain video ke sath. सो फर्स्ट टॉपिक है आपका जो आपको इंग्लिश में पढ़ना है वो कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ने की लोड नहीं होती, जरूरत नहीं है आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की, क्योंकि बहुत ही इजी कॉम्प्रिहेंशन आता है और आप वो इजीली कर लोगे, उसका टेंशन नहीं लेना. नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए एंड द का यूज आपको पता होना चाहिए, इजीली आप कर लोगे उनको. एक बार जरूर पढ़ के जाना आर्टिकल्स को, क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है नाउन. नाउन से भी क्वेश्चन आता है, नाउन को भी पढ़ के जाना, स्पेशली काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को जरा देख के जाना. एरर में उसका यूज होता है, जो एरर देते ना वो एरर फाइंड करने के लिए, उसमें नाउन का एरर दे सकते हैं, वो आर्टिकल्स का एरर दे सकते हैं, तो वो अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, कर लोगे. नेक्स्ट है प्रोनाउन. प्रोनाउन भी आप पढ़ के जाना, वो भी आपको या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देंगे कौन सा प्रोनाउन आएगा, या तो आपको एरर में दे देंगे तो वो पढ़ लेना. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का भी वही है, आपको या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देंगे या आपको एरर में दे देंगे, तो एक बार पढ़ लोगे जरूर कर लोगे. नेक्स्ट है आपका प्रपोजिशंस. तो प्रपोजिशंस जो है वो भी आपको एरर में या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दी जाएंगी, तो प्रपोजिशन से क्वेश्चन भी कन्फर्म्ड आता है, तो प्लीज प्रपोजिशंस को भी ध्यान से पढ़ के जाना. नेक्स्ट है आपका कंजंक्शंस. कंजंक्शंस का भी यूज आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ही आए पर आता जरूर है, तो इसको भी एक बार देख के ही जाना. नेक्स्ट है मॉडल्स. तो जो मॉडल्स आते हैं ना वो फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं. जब मैंने एमएनएस का सीपीटी दिया था तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको मॉडल्स दिए गए थे, आपको चूज करना था कि यहाँ पे कौन सा मॉडल बैठेगा सुटेबली, तो वो आपको देखना था, तो इसको भी एक बार आप देख के जाना, कर लोगे, इजी आया था. नेक्स्ट है वर्ब. वर्ब से भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही आता है मोस्टली, बट आई डोंट नो आपको कैसे किस तरीके से आए, वर्ब भी एक बार पढ़ के जरूर जाना. नेक्स्ट है टेंसेस. टेंसेस से आपको एरर वाला क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप जरूर देख के जाना, क्योंकि टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेंसेस के बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कन्वर्ट करने को आता है, और आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, तो आप उस तरीके से उसको प्रिपेयर करके जाना. नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस. तो एक्टिव पैसिव भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, मतलब कन्वर्ट करने को आता है कि इसका पैसिव क्या बनेगा या इसका एक्टिव क्या बनेगा, उस हिसाब से देख के जाना. नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस. आइटम्स एंड फ्रेजेस तो वो आपसे पूछेंगे कि इस आइटम का क्या मतलब है, तो वो पढ़ के जाना आप, जो मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो देख के जाना. बस वो ईजी पूछते हैं आइटम फ्रेजेस, उसको पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसका क्या हो सकता है. नेक्स्ट है आपका सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स. तो सिनोनियम एंड एंटोनियम्स जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं किस टाइप के पूछ लेंगे, कौन से वाले पूछ लेंगे, तो उन्होंने इतना हार्ड नहीं पूछा सिनोनियम एंटोनियम, इतना ईजी सिनोनियम एंटोनियम्स पूछे, दो तीन तो उन्होंने पैराग्राफ से ही पूछे, और जो अलग से पूछे वो भी बहुत ईजी पूछे, वो किसी को भी आते होंगे. सो आप सिनोनियम और एंटोनियम्स का इतना स्ट्रेस मत लेना, बट ये भी नहीं कि उनको बिल्कुल ही मत आप स्किप कर देना. आप क्या करना, रोज़ के 10 वर्ड्स लर्न कर लेना, रोज़ 10-10 करके आप वर्ड्स लर्न करते जाना, तो आपके पास लास्ट में बहुत सारे आपको वर्ड्स लर्न ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो इससे आपको ही हेल्प होगी. नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो ये भी आपको उसमें दिया जाता है, ऑप्शंस में आपको पता करना होता है कि इधर कौन सा वाला बैठेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो ये भी आप जो मोस्टली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो देख के जाना कि ये वाले आते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जैसे एनडीए वगैरह में, वही वो लोग पूछते हैं, तो आप उनको प्रिपेयर करके जाना. तो ये थे आपके इंग्लिश के टॉपिक्स. इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, और 40 मार्क्स आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन को बहुत ईजी पूछते हैं. जीके को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो. और आप ये जो टॉपिक्स मैंने आप बताए हैं आपको, आप यूट्यूब पे डालोगे, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनसे ही आप प्रिपेयर कीजिए, आपका सारा कवर हो जाएगा इंग्लिश का, इंग्लिश की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी. और अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब पूरा ओवरऑल एमएनएस का जो सीबीटी आपका बहुत अच्छा जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. होप सो दिस वीडियो हेल्प यू गाइज अ लॉट, एंड इफ इट डज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. एंड इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई
all the comments. I will surely reply to you all the comments. And thanks for watching. See you guys in the next video. Take care. Bye bye.